মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তার এপিডপিটে ছটা মামলার উল্লেখ করেন, সাপ্রেস অফ ফ্যাক্ট, ছটা মামলার উল্লেখ করেননি। এর মধ্যে 2018 সালে আসামের পাঁচটা এফআইআর আছে আর একটা সিবিআই এর এফআইআর আছে। नंदीग्राम में ममता के नॉमिनेशन पर तलवार लटक रही है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगती ही जा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नामांकन पर आपत्ति जताई है और ममता पर अपने खिलाफ आपराधिक मामले छिपाने के आरोप लगा दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने एफिडेविट में अपने ऊपर दर्ज 6 मामलों की जानकारी ही नहीं दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है, चुनाव आयोग इस मामले की अब जांच कर रहा है। शुभेंदु का क्या कहना है आगे ये भी सुनिए। ममता के खिलाफ असम में 5 एफआईआर दर्ज है और 1 सीबीआई एफआईआर भी उन पर दर्ज है। उनका कहना है कि ममता एक मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट भी गई थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उनका कहना है कि मैंने चुनाव आयोग को इस मामले में सबूत दिए हैं और आयोग इस मामले की अब जांच कर रहा है। अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो इस कैसे देखता है और क्या फैसला करता है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि नियम सभी के लिए बराबर हो, चाहे वो ममता हो, मोदी हो या फिर वो खुद। उनका कहना है कि सभी साक्ष्य जमा कर दिए गए हैं, उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस मामले पर एक्शन लेगा। उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष ममता के नामांकन पत्र को लेकर खुद आपत्ति भी दर्ज कराई है। माननीय মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তার এপিডপিটে 6টা মামলার উল্লেখ করেন, সাপ্রেস অফ ফ্যাক্ট, 6টা মামলার উল্লেখ করেননি। এর মধ্যে 2018 সালে আসামের 5টা এফআইআর আছে আর একটা সিবিআই এফআইআর আছে। একটা এফআইআর কোয়াশিং এর জন্য তিনি কলকাতা হাইকোর্টে গেছিলেন, জাস্টিস জগমেয়াল্লো বাগচির কোর্টে সেটা রিজেক্ট হয়েছিল। আমি সব তথ্য প্রমাণ দিয়ে স্কুটিনির সময় দিয়েছি, ইলেকশন কমিশন এটা কোয়েরি করবে। আমার অভিযোগটাই তো ফাইনাল নয়, প্রকৃত ওই কেসগুলো পেন্ডিং আছে কিনা ইলেকশন কমিশন দেখবে। দেখার পরে আমি আশা করবো তারা সুবিচার দিবে, আইন মেনে দিবে। আইন তো সবার জন্য এক, মোদীজির জন্য যা হবে মমতা ব্যানার্জির জন্য তাই হবে, আপনার জন্য তাই হবে, আমার জন্য তাই হবে। অতএব তারা আমি দায়িত্ব নিয়ে তথ্য প্রমাণ দিয়ে অভিযোগ করেছি, আশা করব নির্বাচন কমিশন এর তদন্ত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যদি সুবিচার না পাই আমি আমার রাস্তায় যাব। ঠিক আছে, চল রা ইলেকশন কমিশন কা ডিসিশন তক ওয়েট করনা চাই। शुभेंदु के मुताबिक ममता के खिलाफ असम के गीतानगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 20B, 153 ए और 198 के तहत केस दर्ज है। वहीं असम के पान बाजार पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120B, 153 ए, 294, 298 और 506 के तहत मामला दर्ज है। ऐसे ही उनके खिलाफ 3 और मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है और एक जो है वो सीबीआई के भी एफआईआर में उनका नाम है, जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बताया गया है। कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है पूरी वो दिलचस्प होती जा रही है। नंदीग्राम में सीधा सीधा सामना है शुभेंदु अधिकारी का और ममता बनर्जी का, इसलिए हर किसी की नजर भी है और तमाम तरीके से जो कुछ बन पा रहा है तमाम राजनीतिक दलों से वो कोशिश हो रही है कि वो एक दूसरे को मात दे सके उन तमाम हथगंडों से। ऐसे में ये खबर आना कि ममता के नॉमिनेशन पर तलवार लटक रही है, अब इसके ऊपर चुनाव आयोग किस तरीके से कार्रवाई करता है, क्या बयान आता है, इन सब का भी चीजों का इंतजार है और आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भी लगातार भारत तक आपको देता रहेगा। भारत तक के जरिए आप पश्चिम बंगाल चुनाव के जो है तमाम बड़ी खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।